मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जस्टिस लोडा रिफॉर्म्स चैनल, जहाँ पे सब जस्टिस लोडा रिकमेंडेशंस और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की डिस्कशन होती है, वहाँ से बोल रहा हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। तो कल बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में जुड़ गए हैं, बॉम्बे से भी बहुत सारे लोग आ गए हैं, रेलवेज के भी हैं और वुमेन क्रिकेटर्स जो दो दो वर्ल्ड कप खेली हैं वो सारे हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे तरीके से लोग आ रहे हैं। और मेरे को लगता है ये इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के लिए जो बहुत बढ़िया बात होगी कि हमारे चैनल पे और हमारे ग्रुप से जो लोग जुड़ रहे हैं और जो देख रहे हैं उनको बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि पार्टिसिपेशन का, क्योंकि ये प्योर क्रिकेटर्स का ग्रुप है, इसमें कोई पॉलिटिशियन, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई बिजनेसमैन बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये मेरे को लगता है कि क्रिकेट के बेनिफिट के लिए बातें करेंगे लोग जिनका अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो आज मैं एक पहले तो ये शुरू करता हूँ कि मेरे को अभी समझ नहीं आ रही जो स्टेट इलेक्शंस में सबसे अजीब बात यह है कि एक स्टेट ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो हरियाणा स्टेट है, उनकी तो पार्टिसिपेशन ही नहीं है। देखो 38 में से एक स्टेट ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो इसका मतलब उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या परेशानी आ रही, क्यों पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता और क्यों BCCI से फंड आया वो लेने नहीं चाहता, ये बातें तो सुप्रीम कोर्ट बाद में पूछेंगे उनसे। और हम भी इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन से जरूर पूछेंगे कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वहाँ खेलने वाले उनको सफर नहीं होना चाहिए, तो क्यों वो फंड नहीं लेना चाहता, या उनके पास फंड बहुत ज़्यादा है या उनकी कोई और इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये बातें तो अब ये धीरे धीरे खुल गई हैं सारी बातें, तो इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन जो बनने जा रही है उससे हम पूछेंगे कि आप बताइए आप क्यों नहीं खेलना चाहते, आप क्यों नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा है पूरा कंट्री। जब हम सुप्रीम कोर्ट में बैठते थे तो जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस पूछते थे कि आपने बिहार की टीम को कैसे इग्नोर कर दिया, तो चीफ जस्टिस PS ठाकुर कहते थे हाउ कैन यू इग्नोर द पॉपुलेशन ऑफ 10.5 crores। देन द अदर जजेस पूछते थे कि हाउ कैन यू राइट टीम इंडिया विदाउट 6 states। तो ये तो वैसे तो वो कह रहे हैं, CUA कह रहे हैं कि क्रिकेट सफ़र नहीं करेगी, स्टेट क्रिकेट सफ़र नहीं करेगी अगर मैनेजमेंट साथ नहीं दे रही या एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं दे रही तो अच्छी बात तो नहीं है। उनकी परेशानी क्या है ये परेशानी तो हम ढूंढेंगे। मैं सारे न्यूज़ चैनल सारे न्यूज़ पेपर को बोल देता हूँ कि उनसे जाके पूछें कि उनको लोडा इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ से तो इतने बड़े बड़े प्लेयर पैदा हुए हैं, कपिल देव वहाँ से है, चेतन शर्मा वहाँ से है, अशोक मल्होत्रा वहाँ से है और बहुत सारे रजिंदर गोयल जैसे ग्रेट क्रिकेटर्स वहाँ से हैं, सरकार तलवार है वहाँ से, तो वो क्रिकेट को क्यों नहीं खिलाना चाहते, क्यों उनमें उनको परेशानी आ रही है। उसके साथ साथ बाकी स्टेट्स के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, देखिए क्या गजब की बात है, कुछ स्टेट्स में पॉलिटिशियन के बच्चे आ रहे हैं और कुछ स्टेट्स में क्रिकेटर्स आ रहे हैं, कमाल का कम्बिनेशन है। पर देखिए ये अभी चलना शुरू हुआ है तो देखते देखते धीरे धीरे बहुत सारे लोग मेरे को बहुत सारे सवाल कर रहे हैं तो मैं उन सवालों के जवाब भी आज इसमें से दूंगा। तो ये तो पहले मैं इंडियन क्रिकेट स्टेट्स की क्रिकेट जो है उसके रिजल्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि विदर्भ दिल्ली में भी कई क्वेश्चन CUA कर रहे हैं कि दिल्ली की जो सेलेक्ट हुई थी बॉडी उस पर भी कई क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो तमिलनाडु में इलेक्ट हुई है बॉडी उसमें भी कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला अभी, क्योंकि 10 तारीख को ये नॉमिनेशंस फाइल होनी है जो BCCI के एपेक्स काउंसिल के लिए, तो मेरे को उम्मीद है कि 10 से पहले वो 4 तारीख से लेकर 10 के बीच में सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुनाएगी। तो देखते हैं ये किस तरफ चलता, कौन सी स्टेट्स को परमिशन मिलती है पार्टिसिपेट करने की, किसको नहीं मिलती, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है, तो इसमें भी थोड़ा सा गौर करते हैं। और अभी मैं एक दूसरी वीडियो डालूंगा वो इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के लिए है, ये स्टेट इलेक्शन की थी, पंजाब में भी इलेक्शन जो है जो बिलोंग करता हूँ पंजाब को, जिसमें मेरा बहुत सारा इंटरेस्ट भी है, तो मेरा वहाँ का इलेक्शन जो 4 तारीख को AGM भी है और इलेक्शन भी है, उसके रिजल्ट आउट हो जाएंगे तो देखते हैं उसमें कौन से लोग आते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कुछ लोग होते हैं जो क्रिकेट लवर्स होते हैं, कुछ लोग क्रिकेट एंथुजियास्ट होते हैं, कुछ क्रिकेटर्स होते हैं, बट एक कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, अगर क्रिकेट लवर्स भी आ जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। चलो इसके लिए थैंक यू और मैं